हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 9। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी थ्रू बी। टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी वी क्यू आर ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट ए डी पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली थ्रू दैट एंगल ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी। देखो क्या बोल रहा है, दो सर्कल बनाना है आपको। ये आपका दो सर्कल है, सर्कल बनाना भी नहीं आ रहा है मुझे। ये दो सर्कल है आपका, ठीक है। देखो ये दो सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी और सी पे थ्रू बी। टू लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट बी से निकल के जाता है। तो आप पहले यहां से लिख लो, ठीक। ये पहला लाइन सेगमेंट जिसका आप नाम रखेंगे ए बी डी, ओके। एंड दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है, पी बी क्यू। दूसरा लाइन सेगमेंट निकलता है पी बी क्यू करके। तो सपोज यहां से पी बी क्यू, तो ये दूसरा लाइन सेगमेंट है पी बी क्यू। ये है पहला लाइन सेगमेंट ए बी डी और दूसरा लाइन सेगमेंट पी बी क्यू। ये दूसरा लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करता है, ये क्या करता है निकल के, ये लाइन निकल के इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ए पे और पॉइंट डी पे, ए बी डी और पी और क्यू पे, पी बी क्यू रेस्पेक्टिवली थ्रू दैट एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ये, और इसके बाद यहां से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये वाला एंगल आपको बराबर प्रूव करना है, ठीक है। ये एंगल आपको प्रूव करना है किसके, क्यू सी डी, क्यू क्यू से यहां पर आपको लाइन खींचना है ये, ठीक। और सी डी मीन्स ये से, ठीक। देखो ए सी पी, ये वाला एंगल आपको बराबर प्रूव करना है क्यू सी डी, ठीक। देखो इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो प्रूफ तो बहुत आसान है। आपको एक चीज यहां पर, वही चीज पर आपको समझना है। देखो इसमें हम एक थ्योरम कहना चाहते हैं 10.9 के बुक पे है, उसमें क्या बोला था, अगर हम एक कोण बनाएंगे, ये आर्क बनाएंगे, सपोज पी क्यू, पी क्यू आर्क ऐसे भी बन रहा है, ठीक है। और पी क्यू सेम आर्क, यानी आर्क क्या होता है, सर्कल के एक पार्ट, ओके। तो एक छोटा पार्ट होता है और ऊपर से, यही आर्क को मैं ऊपर से जाऊंगा तो क्या होगा, ये बड़ा पार्ट, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। अब इसके बाद ये माइनर आर्क से मैं क्या बनाता हूं, एंगल बनाता हूं सेम सेक्टर में, ओके, सेम सेगमेंट में, सॉरी। तो एक एक से एंगल बनाऊंगा, एक एंगल ऐसे बन गए, दूसरा एंगल किससे बनाएंगे, ये एंगल और ये एंगल किससे बना है, पीवी कॉर्ड से, पीवी कॉर्ड से ये सपोज ए रखूंगा या बी रखूंगा, पी ए क्यू बना है और दूसरा पी बी क्यू बना है, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बना है, इसी आर्क से सेम सेगमेंट में दोनों एंगल बना है। तो वो थ्योरम 10.9 क्या बोलते हैं, सेम सेगमेंट में जो एंगल बनता है किसी आर्क की मदद से उसी सर्कल में, तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। अब यहां पर आपको नजर आ जाएंगे, सीधी सी बात है, देखो ये सर्कल को ले लो ऐसे है, ये वाला सर्कल, ये ठीक है, ये वाला सर्कल आपको नजर आ रहा है। तो पी ए पी ये छोटा आर्क बन रहा है और ये वाला बड़ा वाला आर्क बन रहा है, देखो। लेकिन यही ए से आपको एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल, और इसी पी से कौन सा और एंगल बन रहा है, देखो इसी पी से, हाँ इसी पी से और एंगल बन रहा है, देखो यहां से ए से बन रहा है ए सी पी एक, और यही पी से यहां पर ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, मैं इसको सपोज ये एंगल आपको देखूंगा पॉइंट, और सेम यही पर ये एंगल, इस आर्क से मेजर आर्क में ये दोनों एंगल बन रहा है, और ये आर्क की मदद से ये दो एंगल सेम सेगमेंट में बना है। देखो ये आपका ए पी है,
और बाकी वाला मेजर आर्क है। तो यही ए पी से क्या बन रहे था, यही ए पी से आपको अगर हम नजर आ रहा है आएगा तो यहां पर देखो ये ए है ये पी है ठीक है, यहां से आपको इनका लाइन बन रही है ए, यहां पर सी लिखा हुआ है ठीक, और यही पी से और ए से यहां पर भी एक एंगल बन रहा है और यहां पर भी लिख रहा है, तो ये दोनों एंगल भी सेम सेक्टर में बना हुआ है, देखो सेम सेगमेंट बना हुआ है, ये है उस वाले सेगमेंट में, इस वाले यानी कि अगर मैं इसको टुकड़ा कर दू तो ये मेजर सेगमेंट में ये दोनों एंगल बना हुआ है, तो ये दोनों एंगल क्योंकि सेम एक सेगमेंट में बना है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल होगा, तो मैं क्या लिखूंगा एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल पी बी ए, यहां पर आप रीजन लिख लो, यहां पर रीजन क्या लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे ठीक, तो सेम चीज यहां पर भी आपको नजर आएगा, देखो क्यू डी तो ये क्यू डी से सेम सेगमेंट में सेम इस वाले सेगमेंट में क्यू से कौन सा एंगल बन रहा है क्यू सी डी और डी से डी बी क्यू, ये डबल डॉट लगूंगा यहां पर डबल डॉट, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो रहे हैं क्यों क्योंकि ये दोनों एंगल भी एक सर्कल के अंदर सेम सेगमेंट बन रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा ना ये एंगल क्यू सी डी इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, इसको इक्वेशन सेकंड लिखेंगे और इसमें ये ऊपर वाला सेम रीजन इसमें भी लिखेंगे ऊपर वाला सेम यानी कि एंगल इन द सेम सेगमेंट यानी एंगल ये दोनों एंगल इस सर्कल के सेम सेगमेंट में बना है, देखो ये डी पॉइंट है ये क्यू पॉइंट है, ये वाला माइनर सेगमेंट बनता है और ये वाला मेजर सेगमेंट या मेजर आर्क, देखो ये दोनों ये दो एंगल्स इस सर्कल के ये दोनों एंगल इस सर्कल में एक ही सेगमेंट में लाई कर रहा है, देखो ये यहां पर लाई नहीं कर रहा है ये दोनों सर्कल एक ही सेगमेंट में लाई कर रहा है, तो चूंकि दोनों सर्कल के अंदर ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में लाई करेंगे तो ये दोनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा, इसमें ये रीजन लिखेंगे ओके। अच्छा मैं ऊपर वाला मिटाऊंगा, अच्छा यहां पर आपको नजर आएगा ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहा है और ये इक्वल होता है, मतलब अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट होता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है, ये क्यों होता है क्योंकि हमने पढ़ा है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ओके, तो अगेन एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, यहां पर आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड है, यहां पर आप लिखेंगे क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बराबर होता है, देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में क्या देखेंगे ए सी पी पी बी ए के बराबर है और यहां पर आपको सब कुछ यहां पर दिया होगा, देखो ए सी पी पी बी ए के बराबर है और पी बी ए बराबर है डी वी क्यू की और डी बी क्यू किसके बराबर आ रहा है क्यू सी डी के बराबर आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा इक्वेशन सेकंड एंड कॉमा इक्वेशन थर्ड वी गेट एंगल, देखो ए सी पी इक्वल टू देखो आपको नजर सीधे यहां से आ जाएगा बाकी करने की जरूरत भी नहीं था, देखो ए सी पी बराबर है पी बी ए के और पी बी ए किसके बराबर आ रहा है पी बी आ रहा है डी क्यू बी के और डी क्यू बी किसके बराबर आ रहा है यहां पर देखो डी बी डी क्यू बी क्यू सी डी के बराबर आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ना एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव इट, अच्छा
अच्छा क्यू सी डी के बराबर प्रूफ करना था। अगर इसको अगर कुछ आपको ऐसे समझो, देखो अगर मैं सपोज अगर ए सी पी को मैं सपोज 30 रख दिया बोलूंगा 30 डिग्री, मेरे को बराबर प्रूफ करना था ए सी पी को क्यू सी डी के, ओके तो मैं मानूंगा ए सी पी 30 डिग्री बराबर है, ए सी पी बराबर आया हमें पी बी आई के, तो इसका मतलब ये भी 30 डिग्री सपोज, या अगर सपोज 30 डिग्री ए सी पी के बराबर है तो क्योंकि ए सी पी पी बी आई के बराबर है तो ये भी 30 के बराबर आएगा। पी बी आई किसके बराबर है, डी बी क्यू के, पी बी हमें 30 आया था और पी बी बराबर है डी बी क्यू के तो ये भी 30 आएगा, ओके अच्छा डी बी क्यू 30 आया है लेकिन यही डी बी क्यू किसके बराबर है, क्यू सी डी के बराबर, तो ये भी 30 आया, तो ए सी पी और क्यू सी डी बराबर आ गए, हेंस प्रूव इट, ओके इस तरह समझना है। यह आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 था, इसके बाद 10 करेंगे।